केसरिया हिंदू वाहिनी गौरक्षा प्रकोष्ठ जिला सिंगरौली द्वारा नवरात्रि के शुभ अवसर पर चुनरी यात्रा निकाल की मां विध्वंस वाहिनी को चुनरी भेंट। केसरिया हिंदू वाहिनी गौरक्षा प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आशीष पांडे जी के निर्देशानुसार एवं प्रदेश संगठन मंत्री अम्बरीक पाठक जी के मार्गदर्शन एवं मौजूदगी के साथ ही जिला अध्यक्ष अनुरोध शुक्ला, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष स्वरूप नारायण त्रिवेदी एवं नगर अध्यक्ष नरेंद्र द्विवेदी जी की अगुवाई में जिला सिंगरौली अंतर्गत ब्लॉक देवरस में नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज दिनांक 24/10/2020 दिन शनिवार को केसरिया हिंदू वाहिनी गौरक्षा प्रकोष्ठ के जिला पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ और सहयोग से निकली गई चुनरी यात्रा। उपरोक्त निकाली गई चुनरी यात्रा बालदेव चौराहा से होते हुए जयकारों के साथ माँ विध्वंस वाहिनी मंदिर पहुंची, जहाँ माता रानी को सप्रेम चुनरी भेंट की गई। चुनरी भेंट करने के उपरांत संगठन द्वारा प्रसाद का भी वितरण किया गया। तत्पश्चात आगे की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। उक्त आयोजित चुनरी यात्रा में मुख्य रूप से जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार स्वरूप नारायण त्रिवेदी, जिला अध्यक्ष अनुरोध शुक्ला, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश प्रथा चतुर्वेदी, जिला उपाध्यक्ष दिनेश दुबे अतुल, जिला सचिव वितलेश त्रिवेदी, ब्लॉक उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी, ब्लॉक सचिव नीलेश त्रिवेदी, ब्लॉक सचिव दिलीप तिवारी, ब्लॉक विधिक सलाहकार धर्मराज गुप्ता, ब्लॉक संगठन मंत्री छोटेलाल बैस, ब्लॉक सह संगठन मंत्री विनोद कुमार भोले, ब्लॉक रैली प्रमुख मनीष गुप्ता, ब्लॉक प्रभारी समाज प्रकोष्ठ अरुण पाठक, ब्लॉक महामंत्री अजय सोनी, नगर अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र द्विवेदी, नगर सचिव राजू गुप्ता, नगर शैक्षणिक प्रबंधन प्रभारी हंसराज कुशवाहा, तहसील अध्यक्ष सुनील कुमार पटवा, तहसील कार्यकारिणी अध्यक्ष कौशेंद्र हलवाई, तहसील उपाध्यक्ष त्रयंबकम पाठक, सुनील मिश्रा सहित इत्यादि पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।